दर्शन स्पर्श पूजा स्तुत्य अभिवंदनी भूतेषु मद्भावनया सत्वेना संगमेन च मध्यस्थ दर्शन कहते हैं भगवान मध्यस्थ मन मत प्रतिमा मेरा रहने का निवास विशेष जो पंडित लोग बना देते हैं मेरा रहने का स्थान बना देते कहा मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा बनाकर मुझे वहां बिठा देते हैं। ऐसी मेरी मूर्तियों का दर्शन करने की स्पर्श करने की पूजा करने की तब समक्ष बैठ कर स्तुति करने की और बारंबार वंदना करे और प्रार्थना करने की द्वारा जो लोग पुरुषार्थ होगा क्रिया योगी है वही क्रिया योगी क्या यही सब क्रिया योग है भगवान की मूर्ति का दर्शन करना स्पर्शन करना नहीं पूजा करना स्तुति करना बारंबार अभिवंदन करना भूदेश भावया और ऐसा साथ साथ क्या है भूतेशु सकल मत भावनया मेरी भावना से युक्त होकर मेरी ही आत्मा या परमात्मा का ही अनंत रूप है ऐसी भावना से युक्त होकर सत्व धैर्य के साथ और वैराग्य से युक्त होकर के क्रिया योग ने सत्य नाथ हिंसरे नित्य सह मही असा निषेवित निषेवित नित्य न सुधरवेण उपपद्यते वो ही व्यक्ति एतर्षि भक्ति के जो साधन बताया जा रहा है एतर्षि भक्तियों का संपादन कर सकता है कौन सा निर्गुण भक्ति उसकी साधन बताया जा रहा है और कैसा है और क्या क्या उसके नियम महताम बहुमारेन दीना नाम रुकंपया मित्र चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च महताम बहुमानेन मेरे भक्त भूता परम भागवत लोग जो है महान पुरुष लोग उन लोगों को निरंतर बहुत सम्मान करके उनकी सेवा पूजा करके दीनानाम अनुकंपया और जो दीन है समझते हैं नहीं भगवान की महत्ता को इसे नास्तिक आज बने घूम रहे दया के पात्र हैं उनके साथ उनके उनके ऊपर अनुकंपा करते हुए मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा नाम है ना पतंजलि सूत्र में मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा अब भगवान के भक्तों को देखकर बड़ी प्रसन्नता ओ आज तो हमारा हो भाग्य हो गया कि आज हमारे घर भगवान के भक्त पधार गए हैं बड़ी स्वागत करो बड़ा मान सम्मान करो खिलाओ पिलाओ सेवा करो ये करना हो गया महताम बहुमान फिर कहते दीना नाम रकम बया मैत्री लाल चैवात्मतुल्येषु अपने समान वालों के साथ मैत्री भावना उन पर करुणा मैत्री मुदित हो गया आप उपेक्षा पे कहेंगे या आगे आगे रहेंगे उस उपेक्षा को अलग से या तीन ही लिया है उसके साथ जोड़ा यमेन नियमेन च यम और नियम का पालन करके आध्यात्मिकान श्रवणान नाम संकीर्तनाच्चले आर्चवे नार्य संगीन निरहंग्रया तथा पहले बता दिया था कि यहाँ सागरों का वर्णन करने जा रहे हैं और पांच श्लोकों के द्वारा वर्णन करेंगे कौन में से एक कितना हो गया पंद्रहवा हो गया था कल सोलह आज हुआ सत्रवा चले सत्रवा भी हो गया तीन हो गया चौथा आध्यात्मिक काम श्रवणात् नाम संकीर्तनाच कहते कि ये दो बात और करनी पड़ेगी क्या श्रवण भगवान के चरित्र का श्रवण करना आत्म आराध्य वेद शास्त्र श्रवणार्थ आध्यात्मिक कर्षण में आध्यात्म क्या है आत्मा अनात्मा क्या है इसका विवेक पर जितने ग्रंथ है उनको श्रवण करने का नाम आध्यात्मिक श्रवणार्थ हम मेरे नाम का संकीर्तन से नाम संकीर्तनाच नाम संकीर्तन भी कैसे आर्जवेन आर्य संगेन निरहंकया तथा बड़ी सरल हृदय से अर्जवेन अकुटिल भाव
सरलता से युक्त होकर के, और आर्य संगेना सनातन धर्म स्वरम पालन करने वालों के संग के साथ करनी चाहिए। निरहंग्रिया और किया हुआ कीर्तन के प्रति अपने अंदर कोई अहंकार नहीं होनी चाहिए। जो भी हम ईश्वर को प्राप्ति करने का साधन करते हैं उस साधन संबंधी अहंकार नहीं करनी चाहिए। मत धर्मणो गुण हृदयी परिसंशुद्ध आशय पुरुषस्यांजसा भेति श्रुत मात्र गुणम हिमाम। मत धर्मणो गुण हृदयी, मत धर्मणो मने भगवत धर्मानुष्ठातु पुरुषस्य आशय चित्तम, उसका जो आशय है जो चित्त है, एतेर गुणई ये जो बताइए साधन, ये सब क्या है गुण, गुण कर इन साधनों के द्वारा परिशुद्ध अंतकरण उसका परिशुद्ध हो जाएगा। तब पुरुषस्यांजसा भेति श्रुतमात्र गुणम इमाम, श्रुतमात्र गुणम इमाम मेरे गुण मात्र श्रवण करने से वह पुरुष वह शीघ्र ही मेरे को प्राप्त कर जाएगा। मत धर्मणो पुरुषस्य उसका उसके विशेषण जोड़ देना, मत धर्मस्य पुरुषस्य भगवत धर्मानुष्ठान करने वाला जो पुरुष वह पुरुष को एतेर गुण ही आशय परिशुद्ध सन उसके अंतगण परिशुद्ध हो जाने कारण से मेरे गुण श्रवण मात्र से ही अंजसा अभ्येति वह शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर जाएगा, अनायास ही प्राप्त करेगा। कैसे प्राप्त करेगा उसके दृष्टांत से पांच लोग हो गया साधन संबंधी विचार खत्म। आप तरीका बता रहे कैसे, यथावात रथो घ्राणम आवृंदे गंधाशयात एवं योग रतन चेत आत्मनम अविकारियत। जिस प्रकार से वायु रूपी रथ पर सवार होकर के गंध स्वाश्यात स्वस्थान से गंध क्या करता है वो आपके ग्रहण इंद्रिय को पकड़ कर संबंधित कर लेता है। कैसे आ गया वो वायु रूपी रथ पर सवार होकर, वात रथो गंध आशक स्वस्थानात ग्रहणम आवृंग यथा तथा ये जो जीवात्मा क्या करता है योग रथम योग में आरूढ़ होकर के, इसका जो चित्त वो गंध था या चित्त है वो क्या करता है आत्मानम अविकारियत तमेव आवृंद, जो आत्मा है अविकारी है उसी को ही वर्ण कर लेगा। अहम सर्वेश भूतेषु भूतात्मा सदा तमवज्ञाय माम मत्यः कृत्यर्चा विडंबनम। अब चार चीजों का निषेध करने के लिए पांच श्लोकों से साधनों का वर्णन किया और अब चार श्लोक से उन निषिद्धियों को वर्णन कर रहे। कभी एक दूसरे के प्रति राग द्वेष करके अरे ये तो कृष्ण पास इकट्ठे उठो जैसे करते वैरागी लोग, हे ये तो सन्यासी अछूत है भगो और बाहर लगो पंगति अपने पंत बिठाएंगे भी नहीं, सन्यासी ये तो भूत है खुद का पिंडदान कर दिया मरा हुआ है इसको हमारे पंगत में नहीं बिठाओ जन्म छोटी है नहीं बाहर कर देते हैं। अब ये राम जन्मभूमि के मामले के कारण से काफी सुधार आ गया कि सन्यासियों को सहारा लेना पड़ा उनको, जब ये लोग गए उनके आश्रम में क्या करें उनको तो बिठाए खिलाए साथ में थोड़ा फर्क आ गया, नहीं तो पहले तो इतना कटराश्रम भी बात है कि आप बस दूर और जिस दरी पर वो लोग बैठे वो दरी पर आप नहीं बैठ सकते दूसरे दरी पर बैठो दरी खराब हो जाएगा पवित्र हो जाएगा भूतों की अलग अरे अलग दरी भूत प्रेत आप बैठ पाएंगे उनका स्थान अलग कर दिया जाता था इतना कठोर। पर ऐसे करने वालों को हम भगवान प्राप्त नहीं होते वही कह रहे हैं अहम सर्वेश भूतेशु भूतात्मा उदित सदा मैं भूतात्मा सर्वात्मा हूं सकल भूतों में मैं ही अवस्थित हूं और सदा ही अवस्थित हूं ये नहीं कि एक मिनट के लिए आ जाता चले जाता हूं सदा अवस्थित हूं। ऐसे मुझको अवज्ञा या उपेक्षा करके
अच्छा गड़ बने मुकुर बड़ा पूजा पाठ विड़मना कर रखा है मर्त्य, ऐसा करने वाले को मैं प्राप्त नहीं होता। माम अवज्ञा तम माम अवज्ञा, ऐसा मुझका मेरा स्वरूप को उपेक्षा करके जो अर्चा की विड़मना करते हैं वे व्यर्थ ही करते हैं समझो। और मैंने केवल प्रतिमा आदि की पूजा कर रहे हैं, उनको ये नहीं है वो उनको प्रतिमा में बड़ी भक्ति है, किंतु जो है वो सभी के अंदर जो भगवान है उनके प्रति कोई भावना नहीं, जैसे पंडे होते नहीं है सब जगह है वो लूटने में लगे रहते, वहां पर जो है जो मूर्ति होगा बड़ी उसकी निष्ठा करेंगे भक्ति करेंगे, अरे वहां तो कर रहे हो, ये जो आए हैं तुम्हारे भगत जगत ये भी तो भगवान के अनेक रूप है, इनको लूट कसर क्यों कर रहे हो? नहीं वो मानते थे नहीं, बुद्धि है नहीं, इतनी विवेक नहीं है उनको, भगवान को मानते नहीं वो भगत को, ये लूटते हैं। हर तीर्थ स्थल में यही है पंडव का हाल, और उसके जो भी उस तीर्थ क्षेत्र का देवता होगा उसकी तो बढ़िया टूट भक्ति श्रद्धा खूब पूजा पाठ जप तप करते, कभी ऐसा निरंतर थक जाता है, और क्योंकि सभी के हृदय में विद्यमान मुझ परमात्मा को उपेक्षा करके केवल मूर्ति मात्र में मेरे को मानते हैं, जो ऐसे करने वाला का पूजा पाठ मेरे तक है। नहीं ये तमोगुणी है, रजोगुणी भी नहीं, ये भक्त थोड़े हैं, पाखंडी है, ये सब पाखंडी है, इन्हें भगवत तत्व को समझा ही नहीं, लेकिन मौके पे डाल तो मारते हैं, बिना भगवान की चक्का पत्ता भी नहीं हिलेगा, ये पत्ते पत्ते भगवान है तब तो हिलेगा वो, ये पत्ते भगवान ना हो तब भगवान की चक्का पत्ता क्यों हिलेगा? भगवान क्या मतलब है? आप जिस कार में बैठे हैं उसका ड्राइविंग कर लोगे क्या? जिस कार में आप बैठे होंगे उसी को तो आप ड्राइविंग करोगे कि दूसरे को कर डालोगे? जिस पत्ते भगवान है उसी पत्ते को तो भगवान हिलाएगा अपनी इच्छा से, इसलिए पत्ता पत्ता भगवान की इच्छा से होता है, मतलब क्या पत्ते पत्ते भगवान के दिमाग कहने के लिए तो कहते हैं, इन व्यवहार में मानते नहीं तो पाखंड हुआ। वो मान सर्वेश भूतेशु संतम माता ईश्वरम हित्वार्चाम भजते मौढ़्यात् भस्मन्येव ज्वलति सह, साफ कर दिया, और राख में हवन कर रहे हैं, आग में हवन नहीं कर रहे हैं, उनका यज्ञ पूजा पाठ सर राख में हवन करने के समान व्यर्थ जाता है। जो सगर भूत विद्यमान मुझ आत्मा ईश्वर को हित्व उपेक्षा करके अर्चाम भजते पूजा पाठ करते हैं मौढ़्यात्, पहले जो वर्णन किया गया था भक्तों में 81 प्रकार के सगुण भक्ति में जो तमगुण वर्णन किया उससे ही घटिया है, उससे ये घटिया आदमी है। दिशत प्रकारे माम मानिमो भिन्न दर्शन भूतेश बद्ध वैरस्य न मन शांति मृच्छति, पहले श्लोक में अवज्ञा थी, दूसरे में उपेक्षा, अब तीसरे में द्वेष में आ गया। अवज्ञा का मतलब अनादर कर दिया, जानता तो है लेकिन वो अनादर कर रहा है, अनादर करके उसको लूटपाट कर दिया, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, और दूसरा वो है जो उपेक्षा ही कर दिया भगवान की, सबके अंदर विद्वान भगवान को उपेक्षा कर डाला, और तीसरा वो है जो द्वेष ही कर डालता है, पर कामे विद्वान बाम द्वेषता है, कुछ नाम में कोई दिक्कत नहीं, श्लोक बिगड़ा पर हम बार बार बोले सर्वभूतेश्वर, पहले बोल चुके हैं जहां छंद के अनुरूप देखना पड़ता है, कहीं कहीं कर जाते क्वेश्चन कर सकते हैं, पर कहे माम मारिनो भिन्न दर्शन, कहते हैं कि जो है वे सब कैसे हैं, पर काय में विद्यमान मुझको मुझसे द्वेष करते हुए भेद दर्शी है सबके सब, भिन्न दर्शन सर्वत्र अंतर्यामी एकत्व दृष्टि रहितस्य, सर्वत्र अंतर्यामी के प्रति एक भाव एक दृष्टि को नहीं रखने वाले वो भिन्न दर्शी है। भूतेषु बद्ध वैरस्य, सगल भूतों के प्रति बड़ा वैर से बंधे हुए हैं वो, न मन शांति मृच्छति,
ऐसे लोग जो पूजा पाठ करते हैं, ऐसे पूजा पाठ के द्वारा भी उन्हें कभी शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। अहम उच्चावची द्रव्य क्रियोत्पन्न या नघे नैव तुष्यर्चितो वर्चाया भूत ग्रामावमानिन। और अब अंत वाला आया, अहम उच्चावचीर द्रव्य ही क्रिया उत्पन्न या हे अनघे हे निष्पाप माता, मेरे को ना ये लोग उच्चावचीर द्रव्य उत्कृष्ट निकृष्ट द्रव्यों के द्वारा बड़ी विलक्षण क्रियाओं से क्रिया उत्पन्न या नैव तुष्ये उस पूजा पाठ से मैं कभी प्रसन्न नहीं होता हूं। अर्चाया मर्चितो भी नहीं वतुष्ये, क्यों? ये लोग भूत ग्रह मो मानी ना, इनमें एक वस्तु को बड़ा श्रेष्ठ माना, दूसरे वस्तु से घृणा कर रहे हैं। ये सर्वभूत मैं नहीं हूं, सर्वात्मा ही मैं हूं, फिर किसी घृणा क्यों कर रहे हो? किसको श्रेष्ठ मानकर भगवान का अर्पण, सबको भगवान का अर्पण कर दो। दक्षिण भारत में एक संत का नाम आता राघवेंद्र स्वामी करके, बड़ा जगत जो उनका मठ बवा रहता है, लोग बड़े जाते कर पूजा पाठ करते हैं, उनको सिद्धि फल प्राप्त हो जाता है, जो भी मान के जाते हो जाता है कार्य उनका। अगर आता है हैदराबाद का निजाम उनके पास गया, कहा सुनने को मिला है बड़ा मंत्र सिद्ध कर रखा है, उस क्षेत्र का नाम ही मंत्रालय कर्नाटक आंध्र बॉर्डर में पड़ता है, आज भी समाधि जीवंत समाधि उन्होंने लिया था और बड़ा सिद्ध समाधि, जो भी लोग कोई भी काम लेके जाते कामना सफल, ऐसा सिद्ध स्थान है। उस लोगों के पास गया तो उसने परीक्षा लेने के लिए क्या किया, मांस वांस सब ले गया, बड़ा थाल में जो है मांस अंडा फंडा पका का सब चीज है, मुर्दा ले गया। सिद्ध पुरुष तो दिव्य दृष्टि से उन्होंने देख लिया इसमें क्या चीज है, अब उनके अंदर कोई फर्क तो नहीं पड़ा, नहीं जो ब्राह्मण उन्हें तो ज्ञान तो है नहीं, करी वो भले सिद्ध है चेड़े चमचे हैं वो, क्या वो तो घबरा जाएंगे उसको देख करके, वो हल्ला मच जाएगा और उसको महाराज जी छू देंगे फिर तो और हो गया, फिर महाराज जी के पीछे पड़ जाएंगे। इसे उन्होंने क्या किया, अब निर्देश जब देख लिए तो उन्होंने तुरंत उन्हें कहा अलग रहो उसको, वही पीछे रख दो, पास नहीं लाने दिया उसको, वही रहो ऐसे ढके रहने दो, कोई बात नहीं बैठ राजा बैठा उठा दिए सब बैठ गए, फिर उन्होंने मंत्र पाठ किया कुछ ध्यान किया और चल लिया उस पर छप सा फल फूल मिठाई हो गया। फिर ब्राह्मणों को कहा उठाओ कपड़ा उसकी, कपड़ा उठाया तो फल मिठाई का सुगंध माला ले, अरे वो तो बेचारा निजाम परेशान हो गया, ये क्या चमत्कार है, उन्हें बोला भगवान को भोग लगाओ, भगवान को भोग लगा दिया। लग जाने के बाद सब बांटो, जो हिंदुओं को बांटा हिंदुओं के हाथ में फल है, मुसलमानों को दिया मांस, फिर वापस दिए, फिर क्या हो गया, तुम्हारे जैसे माने तैसे तुम खाओ प्रसाद, अल्लाह का प्रसाद भगवान का प्रसाद है खाओ, ताजुब कर गया। उसी से सर लिख दिया पूरा एक क्षेत्र जो इसी महात्मा का है, तो उसके अधिकार क्षेत्र में आता था वो, ऐसे सिद्ध हुए ना, उन्होंने फर्क नहीं समझा, ठीक है लोग व्यवहार है, मेरे ब्राह्मण लोग उसको भोग लगाने ले जाएंगे उधर से मरे, तो तुलसी लगाने के लिए खोलेगा ना वो तुलसी डाल लेंगे ना रेर मांस तो हंगामा खड़ा कर देंगे, तो उन्होंने उनके कोई द्वेष भाव थोड़ी किया महात्मा, नहीं ये भी भौतिक वस्तु है, ये भी भगवान का ही एक रूप है, मांस अंडा क्या है, भगवान का अनंत ब्रह्म एक रूप है, लेकिन उसको जिस रूप से अर्पण करना चाहिए उस रूप से लानी पड़ेगी, तो गड़बड़ा जाएगा व्यवहार, इसलिए मंत्र से उन्होंने ऐसे बना दिया। सर्वभूत आत्मा है ना, इसे किसी वस्तु की निंदा पूर्वक आप किसी वस्तु की स्तुति करता हो या आप अर्चना करो भगवान का अर्पण करोगे वो अनुचित है। हाँ विधि है दही डालूंगा दही डालो खून नहीं डालूंगा वो बात अलग चीज है, यदि खून की निंदा दृष्टि से देखो और दही को बड़ा उत्कृष्ट चीज मान करके डालो वो गलत है, खून का अभिषेक करने का विधि नहीं, दूध से अभिषेक करने का विधि है, ठीक है मैं विधि को मान करूंगा, लेकिन खून में निंदा भाव रखना वो गलत है,
वो भी परमात्मा का रूप है, वो अविजीवी अविहित विषय होने के कारण से उसको हम पूजा करें प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन इसका ये नहीं कि उसको आप घृणा करो, घृणा नहीं करना है, किसी भी तत्व से घृणा नहीं करना है, सब परमात्मा का ही रूप है। ऐसे भाव रख करके विधि के अनुसार जो कहेगा उसके आप उसकी पूजा कर रहे हैं, बात खत्म हो गई। लेकिन लोग ऐसा करते नहीं, उच्चावच भाव द्रव्यों में रखते हैं, तो आपने भगवान में उच्चावच भाव कर दिया एक तरह से, कि द्रव्य क्या है, भगवान का ही रूप है, द्रव्य में उच्चावच भाव करो मतलब भगवान को उच्चावच कर दिया, गड़बड़ कर दिया ना। तो ऐसी अर्चा में जो प्रयोग करके अर्चना करते हैं उनके अर्चित के द्वारा उस अर्चना से मैं कोई प्रसन्न नहीं हो सकता। अर्चा दावर्चित तावत ईश्वरम मान सर्व कर्म कृत यावम नवेद सुहृदी सर्वभूतेश्व अवस्थितम। इसलिए अर्चा दर्चित तावत ईश्वरम मान सर्व कर्म कृत, अपने अपने वर्णाश्रम धर्मानुसार विविध कर्मों को करते हुए मुझ ईश्वर की अर्चा दर्चित विभिन्न प्रकार की पूजा पति स्व स्व वर्णाश्रम धर्मानुसार प्राप्त तत्व संप्रदाय तत्व परंपराए रीति रिवाज के अनुसार जो विधि विधान है उसी विधि विधान से मुझ परमात्मा की पूजा पाठ करते रहे। कब तक, यावत नवेद स्वहृदि, जब तक अपने हृदय में जो सर्वभूत में उस परमात्मा का अनुभूति नहीं होती। आत्मनश्च परस्यापि यह करो तुम बरोदरम तस्य भिन्न दृशो मृत्यु विदधे भयमुल्बणम। मैं उन लोगों के हृदय में भय और उन लोगों को मृत्यु देता हूँ जो लोग आत्मनिश्चित यह करो कि अंतरोदरम, वो अपने से दूसरों में जो कोई भेद बुद्धि कर डालते हैं, किंचित भी भेद बुद्धि उत्तरम करते अंतरम, उदरम अंतरम करते मैंने किंचित भी भेदम करते करो दिया तस्य भिन्न दृशो तारस्य भिन्न दृष्टि वाले को उल्बणम भयम मृत्युश्च विदधे, भयंकर भय और मृत्यु मैं उसको विधान करता हूं। इसलिए मेरा पूजा पाठ करोगे तो कभी भी इस प्रकार के ये चार चीज युक्त कभी नहीं होना, है ना, अवज्ञा उपेक्षा दोष द्वेष निंदा, इन चार से रहित होकर के और पांच साधन से संपन्न होकर के निरंतर उपासना करने वाले को ही मैं प्राप्त होता हूं। अथमां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृपालयं अर्ये दानमानाभ्यां मैत्रा अभिन्नेन चक्षुषा। अभेद बुद्धि से, इसलिए अभिन्नेन चक्षु में अभेद बुद्धि से समदर्शन के द्वारा क्या करना, सकल भूतों में विद्यमान मेरी ही पूजा कर लो। सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृपालयं मां, सकल भूतों में सकल भूत स्वरूप नहीं, जो सकल भूतों को आलय बना लिया, कहा गया ना मैत्री संवाद को ले लिया एक तरह से, मैं सभी के भीतर हूं, सभी मेरा शरीर है, इन मेरे को नहीं जानते, है ना, सर्वभूतेषु तिष्ठन् सर्वभूतानि एव शरीराणि सर्वभूतानि न विदुः, ये सब कहा कि नहीं, प्रत्येक विकल्प में प्रणिक परिषद में आता है विचार। ऐसे लेकिन मुझे जानो सभी शरीर मेरा मंदिर है, ये शरीर ही मंदिर है। कृतालयम दान मानाप्यम मैत्रिया अभिन्न चक्षु चाच अर्हे, दान से मान से मैत्री भाव से और समदृष्टि के द्वारा मेरी पूजा करें। जीवा अब यहां तक जो साध्य साधन भाव विभिन्न प्रकार के भक्ति प्रभेद आदियों का वर्णन कर दिया, आप तारतम्यता के वर्णन करते जीव सृष्टि में तारतम्यता क्या है, पूछी थी ना वो, ये जीव सृष्टि का ऐसा वैराग्य प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठता का वर्णन करेंगे कि मान करने के लिए भी विचार करना है, किसका मान कैसे करना है सो समझ के करना है, सभी समान सम्मान के योग्य नहीं होते, विषमाश विषमा समय आया था, विषम समय समाता
गौतम सूत्र आया था भगवद गीता में, विचार किया है भाष्य में भी है और उस पर टीकाकार बहुत विचार किया कि किसको किसके साथ बैठाना है उठाना है सोच समझ के करनी चाहिए व्यवहार। इसलिए श्रेष्ठता करना करते जीवा श्रेष्ठा ही अजीवारम तथा प्राण व्रत शुभ तथा सचित्ता प्रवरा ततश्चेन्द्रिय वृत्त हो तथा स्पर्श वे दिव्या प्रवरा रसवे तेभ्यो गंध विद श्रेष्ठा तथा शब्द विदो वरा रूप वेद विदस्तत्र ततश्चोभयतो ततः तेषां बहुपदा श्रेष्ठ तजस्पादस्ततो द्विपाद ततो वर्णाश्च चत्वारः तेषां ब्राह्मण उत्तम ब्राह्मणेष्वभिरोदज्ञो ह्यर्थज्ञो विदुक्यस्ततः अर्थज्ञात् संशयच्छेत्ता ततः श्रेयांस कर्मकृत मुक्तसंगस्ततो भूयान् अदोद्धाधरवात्मनः। इतने श्लोकों में जड़ पदार्थों की अपेक्षा से चेतन पदार्थ श्रेष्ठ है, अजीवानं अपेक्षया जीवा श्रेष्ठ। ऐसे चेतन पदार्थों में जो प्राण को धारण किया वो और भी श्रेष्ठ है तथा प्राण व्रत शुभ तथा सचित्ता है शुभ हे सुंदर बुद्धि वाली मां तथा सचित्ता लेकिन प्राण धारण कर लिया लेकिन बुद्धि यही नहीं तो क्या फायदा। इसलिए प्राण वालों से भी प्राणियों में भी बुद्धिमती जो जीव है वो और श्रेष्ठ है। ततश्च इंद्रिय बुद्धि और इन इंद्रिया आई फायदा गया, इंद्रिया भी होना जरूरी है जिसके माध्यम से बुद्धि बाहर आकर सब समझ सके। इसलिए बुद्धिमती जीव के पेशा से बुद्धि विशिष्ट इंद्रिय वृत्तियों के ऐसे विशिष्ट जो जीव है वह और भी श्रेष्ठ हो गया। इंद्रिय वृत्तियां हैं जैसे अमीबा वगैरह घूम रहे फिर रहे हैं ग्रहण होता है विषय, इसलिए तत्र आप स्पर्श स्पर्श वेत्ता श्रेष्ठ है पेड़ वगैरह प्रवरा रस वेदिना उसे भी श्रेष्ठ मछली आ रही रस को जानने वाले थे भ्यो गंध भी रहो उस तरह से गंध से चलने वाले चींटी वगैरह मधुमक्खी तो कहीं भी फूल खिलेगा भाग जाएगा वहां पहुंच जाएगा गंध कितना दूर से पकड़ लेता है समालों में कहा सुगंध है और वहीं पर अमृत मिलेगा शहद मिलेगा वो वहां पहुंच जाता है। चींटी को देखा कहीं भी बांध के रख दो मकान के अंदर बस कपड़े ला दो और ऊपर ताला लगा दो पहुंच जाएगा भीतर कहीं ना कहीं से छोड़ेगा बड़े गंध ये जो है उसको दे रखे ग्रहण इंद्र विलक्षण भगवान ऐसा छेद में ढूंढ लेता है विलक्षण छेद वाला ट्रंक हो तो बात धने अंदर ना घुस पावे नहीं तो वो कहीं ना कहीं छेद ढूंढ के घुस सकता है बड़ा विचित्र। तो बात इस तरह से गंध वेत्ता इतने से भी श्रेष्ठ रस वेत्ता से उससे भी श्रेष्ठ कौन है शब्द विदो रहा सबसे भी जानने वाले सब चीजों में और भी श्रेष्ठ उल्लू आदि दिखता कुछ है नहीं लेकिन शब्द सब समझ लेते उससे भी श्रेष्ठ कौन है रूप वेद विद रूप वेद उनको जानने वाले लोग तत्र तत्र श्रेष्ठ होते गए तत्रापि अभेदे तदशा उभयतो दतः उससे भी श्रेष्ठ कौन है कत उभय तो दता दांत वाले लोग खाने पीने में सक्षम और भी श्रेष्ठ ये सब वेदांति है ना इन सबके दांत होते हैं नहीं वेदांति वेदांति नहीं है दांत है ही नहीं चिंटी विंटी का दांत क्या होते तो चोच होता है ना उसी से पकड़ते कौवा वगैरह जितने भी देखो सब चोच से पकड़ते और दांत वाले इसलिए उससे भी श्रेष्ठ है तेषां बहुपदा और दांत वालों में भी बहुत पैर वाले और भी श्रेष्ठ बहुत पैर वालों में चतुष्पाद वाले चतुष्पाद से भी श्रेष्ठ कौन द्विपाद वाले द्विपाद से भी श्रेष्ठ कौन वर्ण वर्ण को मानने वाले वर्ण को मानने वाले में भी चार वर्ण श्रेष्ठ है चार वर्णों में भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है ब्राह्मणों में वेदों को जानने वाला रट्टू और रट्टू में भी वेद पाटी से भी अर्थ को जानने वाला अर्थ को जानने वाले से भी संशय को छेदन करने में सक्षम रखने वाला उससे भी श्रेष्ठ कौन होता है स्वकर्म को सब पढ़ा लिखा सब कुछ जानता विद्वान है लेकिन अपना कर्मकांड नहीं करता अपने वर्णाश्रम धर्मपाल नहीं करता वो भी घटिया है भले विद्वान है शब्दार्थ ज्ञान है आपका कोई भी संशय दूर कर सकता है लेकिन कर्म से ही नहीं
वो भी बेकार है। इसे कहते हैं ये सब होते भी ये कर्म को पालन करने वाला और भी श्रेष्ठ है, कर्म कर्त से भी श्रेष्ठ मुक्त संघ जो फलाशक्ति से रहित है वो और भी श्रेष्ठ है। जो धर्मम आत्मन भूया न दूता, जो कि अपने लिए कृत कर्म रूपी धर्म के है वो नाना प्रकार का फल का दोहन नहीं करता है, ऐसा जो वो और भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों में से सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण माना जाए। तस्मात्मय अर्पिता शेष क्रियार्थात्मा निरंतर मय अर्पितात्मनत्वंसु मयि संन्यस्त कर्मण न पश्यामि परम भूतम अकर्तु समदर्शना। कहता ऐसा कोई जीव से बढ़कर कोई संसार में दूसरी चीज को नहीं मानता हूं जो समदर्शी हो और कर्तृत्व भोक्तृत्व को त्याग कर मुझ परमात्मा को सर्वत्र देखने वाला है, उससे बढ़कर संसार में किसी और को मानता ही नहीं। परम न पश्यामि, परम भूतम न पश्यामि, भगवान कह रहे उससे बढ़कर कोई भूत मैं नहीं मानता जो अकर्ता है समदर्शी है। अकर्तु समदर्शना भी परम न पश्यामि, तस्मात इसलिए वो अकर्तव कैसा है, मई अर्पिता शेष क्रियार्थात्मा मुझ में ही अर्पण कर दिया समस्त क्रियाओं को समस्त फल को अपने शरीर मन बुद्धि अहंकार इंद्र बिंद्र सबको डाल मई अर्पितात्मन निरंतर मैंने अभ्योहिता भेद मानता नहीं, भेद दृष्टि है नहीं, ये मानता मई ईश्वर वही ब्रह्म हूँ, मेरे से ब्रह्म अलग है ही नहीं, इसे स्व में सब कुछ लिंग कर दिया स्वरूप में लिंग। मई संन्यस्त कर्मणा मुझ में ही समस्त कर्मों का संन्यास कर दिया, ऐसा जो कर्तृत्वाभिमान से शून्य समदर्शी पुरुष से बढ़कर मैं किसी और को नहीं देखता। इस प्रकार से परम ब्रह्म ज्ञानी का स्तुति कर दिया, ये निर्गुण भक्ति की पराकाष्ठा स्वरूप है, तारतम्यता से वर्णन करते हुए इसके लिए अब उसी हिसाब से आपको मान करना पड़ेगा। अब देखो लोग गलत कर रहे हैं ना आजकल, ब्राह्मणों के घर में जाओ कुत्ता को पाल रखे हैं, कुत्ते को गोली में लेकर सोफा से बैठकर टीवी देखते हैं, गलत है ना। अरे चतुष्पाल के पैसे से ब्राह्मण का कहा लाया, बराबर हो सकता है जो बराबर कैसे बिठा लिया, कहा चतुष्पाद उसे त्रिपाद लिया नहीं, ये बारे चतुर्वर्णी चतुर्वर्णी में ब्राह्मण ब्राह्मण में वेद पाठी ऐसे सब ले रहे, कहा चतुष्पाद कहा जो है ब्राह्मण कितना दूर है, जन्म से ब्राह्मण मान के चलो तब भी उससे श्रेष्ठ वेद पाठी का, उससे भी श्रेष्ठ अर्थ ज्ञान था, उससे भी श्रेष्ठ संशय चेतता, ये सब किया है ब्राह्मणों में फिर तारतम्यता, उस दृष्टिकोण से विचार कर रहे तो इनको तो बिल्कुल दूर रखनी चाहिए ना, गाय बराबर रख रहे। और ऐसे ही मूर्ख आनंद लोग है जो वो पे उसी थाल से खा रहे हो, कुत्ते को भी खिला रहे, उसी में खा रहे कुत्ता भी, क्या लोग है। इसे अनेक नई बीमारियां फैलते जा रही, नई नई बीमारी जहां जिसको रखना चाहिए वहां रखना चाहिए, आओ उसमें सब मिक्स कर दो सब गड़बड़ हो जाएगा। मन सैतानी भूतानी प्राण प्रणमे बहुमानयन ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवान इति, लेकिन किसी भी भूत दूर रखो घृणा मत करो, अंदर से सम्मान करो, सम्मान उसको बाहर पकड़ चूम लो, अरे थोड़ा होता है, अरे जैसे एक बाप अपने जवान बेटी को प्यार करता है कर रहे थोड़े कुछ बारे में करेगा चूमेगा, अरे जवान हो गई उसके छूने का अधिकार नहीं बाप को भी है, लेकिन प्यार तो करता कि नहीं करता है, अपने प्राणों से ज्यादा मानता है। उसके एक फोन आ जाए ससुराल से कि हमको इतना क्यों रहा है, तुरंत बाप या परेशान होता है, तुरंत व्यवस्था करता है उसके लिए, प्रेम तो है ना वैसे ही करो, स्पर्श रहित सामीप्य वाली व्यवहार रहित होकर दूरी रखते हुए ही हृदय से मान के भगवान की कला इसमें भी है, कुत्ता में भी भगवान की कला है, बिल्ली में भी भगवान की कला है, सभी में है, इसलिए दूर से प्रणाम करें, मनसा जागे करें
मनसा एतानि भूतानि प्रणमे, इन समस्त भूतों को प्रणाम करो। हाथ से नहीं, सेकेंड्स में नहीं करने का कुत्ते के साथ नौकर है ना, सेकेंड कुत्ता को कहते वो भी नहीं करने का। इसलिए जान के शास्त्र मनसा एतानि भूतानि बहुमानयन् प्रणमे, बहुत मान करते हुए प्रणाम करो उसको दूर से मन से। क्या मानते हुए? ईश्वर जीव कलया भगवान प्रविष्ट से, ईश्वर जो भगवान है जीव रूपी कला कांश के धारण के माध्यम से इसे प्रवेश किया हुआ है, इसे ये भी हमारे घर प्रणाम के योग्य है, प्रणाम करनी चाहिए। लेकिन मन से करो, जन का पैर छुआ गधे का पैर छुआ बड़ा हो लात मार देगा सिंह को देगा उसका पैर छुआ बड़ा बोला तो खाई जाके इतने में गड़बड़ कर देगा। अरे वो जैसा उसके साथ वैसे दूर से सब प्रणाम करो, ठीक है भगवान इस रूप में आवराज मान। छोटे मारे जी का आज जन्म भी हो सर भंडारा खाए होंगे लोग जाकर के कैलाश में, तो वहां पर छोटे मारे जी के सदस्य बने। एक बार जब सब गए परमेश्वर राम जी बरसात में थे जंगल में, बाघ आ गया सामने से। अब महाराज जी ने क्या किया, पगडंडी पे चल रहे थे तो नीचे उतर के खड़े हो गए और कहते कि हाँ आप तो अरण्य राजा हैं, हम तो प्रजा हैं आपके, प्रजा भी नहीं शरणार्थी हैं, आप ये अरण्य के शरण में आए हैं तो बिना अनुमति का आए हैं, इसलिए क्षमा कर दीजिए और अपने मार्ग से आप प्रस्थान करें। जब महादेव बाकी आपकी मर्जी है तो चुपचाप चला गया। बाकी और कांप रहे हो गया कल्याण सबकी, हाँ चुपचाप चला गया। तो भाव है ना कि उसने हमें परमात्मा को देखा, उसका प्रणाम किया, सम्मान किया सब कुछ, और अपने आप को कह दिया बिल्कुल हम तो शरणार्थी, प्रजा भी नहीं कह सकते हम, अरण्य का प्रजा तो जंगली जानवर होते, प्रजा कैसे कहेंगे, हम तो कोई प्रजा भी वास्तव में नहीं है, हम तो शरणार्थी हैं आपकी। और उसने भी दया की और चल दिया। तो ये होता है, इसलिए बहुमानयन है ना, इसलिए कहा भक्ति योगश्च योगश्च मया मानव्युदा उदीरितः ययोरेकतरेणैव पुरुषं व्रजेत्। भक्ति योग मैंने कुछ बता दिया, ज्ञान योग मैंने तुमको बता दिया, और भक्ति योग का अंग भूत है ना, ज्ञान योग का अंग भूत है, मैंने कर्म योग भी बता दिया है। मया हे मानवी हे मनुपुत्र देवहूति मेरे द्वारा तुम्हारे लिए कह दिया गया है, ये एक तरेणैव किसने ये रास्ता पकड़ो, पहुंचे के अंत में कहा पुरुष पुरुषम व्रजेत, ये जो पुरुष है उस परम पुरुष का अपना स्वरूप आत्मा को ही प्राप्त कर लेता है। अवधारण साधनांतर विदास, अवधारण के द्वारा अन्य साधनों का विदास किया, अन्य साधन केवल अंग भूता होगा, मुख्य साधन नहीं होंगे, मुख्य तो दो ही है, या तो निर्गुण भक्ति करो या निर्गुण ज्ञान, दो ही रास्ता है। मैं निर्गुण को पकड़ना ही पड़ेगा, निर्गुण को पकड़ेगा काम चलेगा, अनन्य निर्गुण भक्ति करो या अनन्य भाव से अहम ब्रह्मास्मि रूप ज्ञान के चिंतन करो, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। एक तरह नहीं पुरुष बात वही ना, अद्वैत है निर्गुण भक्ति का मतलब अद्वैत, निर्गुण ज्ञान भी वही अद्वैत ही है, अंतर कुछ नहीं है। एक भगवत रूपम ब्रह्मणा परमात्मा परम प्रधानम पुरुषम दैवम कर्म विचेष्टितम। अब आगे के जवाब उसने पूछा था कि जीव के संसरण के बारे बताइए और काल का स्वरूप का भी कथन कीजिए ताकि वो वैराग्य संपादन हो। जब जीव की संस्कृति और काल का स्वरूप ज्ञान न हो वैराग्य होता नहीं, वैराग्य नहीं होगी सगुण भक्ति भी नहीं होगी, निर्गुण भक्ति कहेगा, सगुण ज्ञान का ध्यान भी नहीं हो सकता, तो कहां से भाग्य होना है। इसलिए कहते कि भाई देखो सगुण ज्ञान ध्यान क्या होता है, विराट पुरुषार्थ का ध्यान, हिरण्यगर्भ का ध्यान, ये सब क्या है, सगुण ईश्वर ध्यान नहीं है, सगुण भक्ति नहीं है। सगुण भक्ति के अंदर कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाकर करते हैं,
और यह मूर्ति नहीं होता। हिरण्यगर्भ का स्वरूप जो वर्णन किया है वो सूर्य मंडल में देखना है, विराट रूप से इसको कल्पना करके ध्यान करना, ये सब सगुण ज्ञान का मार्ग है। निर्गुण ज्ञान होता है ब्रह्मास्मि, वो एक ही, दूसरा अनेक नहीं है। वहां यहाँ तो अनेक हो सकता है, सगुण ज्ञान ध्यान में अनेक है, ये सगुण भक्ति में अनेक है, एकासी प्रकार की नया। वैसे सगुण ज्ञान में भी एकासी प्रकार की, लता मगुण का तीन सब तीन तीन मरा लो, अपना विभाजन हो जाएगा उसमें। बता रहे कि भाई जीव की संसरण क्या है, उसको बताने के लिए पहले ये बताना जरूरी है भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है। एतद् भगवतो रूपम् ब्रह्मण परमात्मा, यह ब्रह्म जो परमात्मा है उस भगवान के स्वरूप समझो। क्या वही परम पुरुष भी है, वही परम प्रधान भी है, माया और ईश्वर दोनों के रूप में वही है। परम प्रधानम पुरुषम कहते ये कैसे काम कर बैठे, कहते दैवम कर्म विचेष्टितम, वही परमात्मा दैव रूप बन करके कर्म कर्म रूपी दैव रूप धारण करके सबको विचेष्टित कर दिया। तो दैव विजय विजयते, उसे अतिरिक्त कौन है दूसरा, तीसरा कौन है, दो तो हो ही गया, तीसरा दैव है। वो क्या है दैव, कर्म चोदितम कर्म चेष्टितम कर्म चेष्टितम कर्म चेतम कर्म प्रेरितम इत्यादि शब्द प्रयोग होता है। कर्म के द्वारा प्रेरणा इन पर पुरुष और प्रधान पर संबंधों का विषमता आने के प्रति वो इसी का नाम दूसरा दैवम कहा जाता है। रूप भेदास्पदम दिव्यम काल इत्यभिधीयते भूतानाम महदादीनाम यथो भिन्न अदृशाम भयम्। हर काल हर कुछ नहीं, ये सारा भूतात्मा है ना, ऐसा भूत पंचगुणात्मक पंचभूतात्मक जो अपंचीकृत पंचीकृत सब आत्मक जो जगत है यही काल है, ये हमें खा जाता है। रूप वेदास्पदम रूप वेद से वस्तु नाम अन्यथात्वस्य आस्पदम आश्रय कारणम भवति, वस्तुओं के अन्यथात्व भाव से ग्रहण कर ले, द्वैत भाव से ग्रहण कर लिया, यही रूप वेदास्पदम दिव्यम। वो जो दिव्य है एदार्श भेद ज्ञान वही क्या है, काल है, काल रूप ईश्वर समझो। क्यों कहते हैं दैव से कर्म करना संसर्ग विचित्र अस्तु तेन किम कद रूप वेदा अपनी वस्तुओं के अयथार्थ रूपेण ग्रहण करना, वस्तुओं का परस्पर भेद को सत्य रूपेण ग्रहण करना यही भय का कारण है। यत्र द्वैतम भवती तत्र भयम भवती है कि नहीं। तीसरे कहते हैं द्वैतम इव भवती भाई बात कर रहे हैं यहाँ पर दूधाना महदावीना ये तो भिन्न दृशा भिन्न दृष्टि वालों के लिए ये समत महदादिभूत ही भयम रूपम भवती यही भय रूप है समझो। ये काल और कुछ, काल को अलग कोई वस्तु नहीं है। काल क्या है इसे पहले क्या काल गुण व्यतिकर का है, काल से गुण का व्यतिकर हुआ, आगे गुण व्यतिकर है काल आगे भी कहेंगे। ये अद्भुत प्रभाव वाला यही हम सबको ग्रसित करने वाला द्वैत भाव, यही द्वैत भाव ही काल है। मृत्यु से मृत्यु में आत्मा होती है ना, ये तो शरीर का मृत्यु क्या है, इस मृत्यु का भी मृत्यु रूप है क्या द्वैत बुद्धि, वही काल है। युवंत प्रविश्य भूतानि भूते रत्य चलाश्रय सविष्पाख्यो अधियज्ञो असौ काल कलयताम प्रभु, वही काल है करेताम गणना करने वालों की दृष्टि से काल इसी का नाम है जो विष्णु नाम से आदि यज्ञ रूपेण सभी में प्रवेश कर गया। यो अंत प्रवेश भूतानि जो भूतों में प्रवेश करके भूतानेव भूतों के द्वारा ही अखिलाश्रय सन अति अखिल पदार्थों का आश्रित करता हुआ इन्हीं भूतों के द्वारा भूतों को ही भूतों में प्रवेश करके भूतों को खाने वाला है। वह कौन है, वह विष्णु नाम से प्रसिद्ध है, उसी को अति यज्ञ कहा करते हैं लोग, वही काल है कलयताम विदोहो। कलयताम वशीकुर्वता यज्ञ फलदाता वही परमात्मा है, अति यज्ञ इसलिए कहा गया यज्ञ वही विष्णु। यद भयाद वाति वातो यम सूर्यस्तपद यद भयाद वर्ष दे देवो भगणो भाति यद भयाद यद वनस्पतियो भीता
लताष्टौषधीः सह स्वे स्वे कार्य विगृह्णन्ति पुष्पाणि च फलानि च स्रवन्ति सरितो भीता नोत्सर्पत्युदीर्यतः अग्निरुन्धे गिरिभिर्धूर्णमज्जति यद्भयात्। जिसके भय से सारा संसार चलता है, भीषास्मादवात पवदी इत्यादि कोई दूसरे शब्दों में कहा जा रहा है कठोर परिषद के मंत्र को, कहते जिसके भय से वायु बारा है, जिसके भय से न चास्य कश्चित् दयितो न द्वेष्यो न च बांधवः आशक्त प्रवृत्तोऽसौ प्रमत्तं जनमन्तर्दो। कहते न चास्य कश्चित् दयितो, हर ऐसे काल रूप ईश्वर ना किसी पर दया करता नहीं, एक सेकंड को भी आपके पास आप भले कहेंगे हम लोगों को महाराज हम 5 मिनट के बाद आएंगे, अभी टाइम नहीं है, मेरे हमारा जी जब आएंगे 5 सेकंड को भी टाइम नहीं, 1 सेकंड है मेरे, अगर घट चल हो गया तुम्हारे काम खत्म, देखते नहीं दया भाव कुछ नहीं किसी के प्रति। कहते नास्य कश्चित् दयितो न द्वेषो, लेकिन द्वेष है भी बात नहीं, चाहे भक्त चाहे भक्त सबको बराबर टाइम आया खींच के ले जाएंगे यहाँ से, न द्वेषो न च बांधव, उन लोगों के बांधु भी नहीं, आवश्यक अप्रमत्त हो सहो अप्रमत्त से हम प्रार्थ कभी नहीं करते। यमराज को आलस नहीं होता उठ के अपने को ले जाने में, यमराज जी आलस कर ले सारा काम चौपट हो जाएगा, इसलिए अप्रमत्त सन आवश्यक असो प्रमत्तम जन्म, किसे प्रवेश कर देते हैं हम लोग प्रमादी लोग हैं, हम लोग प्रवेश करके मार के ले जाते हैं, अंधवृत मृत्यु बन के आ जाते हैं, मृत्यु बन करके प्रमादशील जन्म के अंदर अप्रमाद वाले होकर के परमात्मा मृत्यु रूप में प्रवेश कर जाते हैं। जिसके भय से ही वायु बहता है, सूर्य तपता है, वर्षा करता है, देवता इंद्र भगवान अपने अपने प्रकाश से प्रकाशित कर रहे हैं, वनस्पतियां भयभीत होकर लता औषधि सभी अपने अपने काल में विभिन्न प्रकार पुष्प फलों को धारण करते हैं, नदियां